सो हाय एवरीवन, पंकज दिस साइड। सो आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं जो शानदार अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है गाइस। आज जिस बेसिकली मैं कंपनी की डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली इसमें करंटली जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है, ये वॉइस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है गाइस। और गाइस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और डेफिनेटली आप जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ कि क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है और क्या आपके इंटरव्यू के राउंड्स रहने वाले हैं गाइस। सो गाइस, आज जिस कंपनी डिटेल आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बेसिकली इस कंपनी का आपने काफ़ी बार नेम भी सुना होगा। बेसिकली इस कंपनी का नाम है विप्रो प्राइवेट लिमिटेड। विप्रो की बात करें तो ये BPO सेक्टर की एक टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है गाइस, जहाँ वॉइस प्रोसेस और बैकएंड प्रोसेस और इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस भी देखे जाते हैं गाइस, क्योंकि ये एक टोटली MNC मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ की हायरिंग चलती रहती है गाइस। सो गाइस, करंटली इसमें वॉइस प्रोसेस के लिए हायरिंग चल रही है करंटली। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये करंटली नोएडा लोकेशन के लिए अभी हायरिंग चल रही है गाइस। सो गाइस, अगर आप दिल्ली या नोएडा में रहते हैं तो या रिलोकेट होना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। क्योंकि अगर यहाँ पर अपना कैरियर बनाते हैं या कुछ टाइम अपने आपको देते हैं, एक बढ़िया एक्सपीरियंस लेते हैं मिनिमम एक साल का, तो आगे जाके काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शानदार ये अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगी। और आपका सैलरी पैकेज भी काफ़ी हैंडसम आपको देखने को मिल जाएगा गाइस। मैं इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट आपको जो है, जहाँ वॉक इन इंटरव्यू चलते रहते हैं, मैं उनका एड्रेस प्रोवाइड उस कंपनी का नाम भी आपको जो है शेयर कर देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार जो है आप नहीं जा पाते या कोई प्रॉब्लम आती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि BPO सेक्टर में मोस्टली जो है एनी टाइम वैकेंसी रहती है। मंडे टू फ्राइडे आप जो है इन कंपनी में विजिट कर सकते हैं, जैसे कि आपका टेक महिंद्रा हो गया, एनर्जाइजर हो गया, और आपका जो है SCL प्राइवेट लिमिटेड हो गया, एजेस हो गया, बाकी जब डायल हो गया, तो ऑल सेक प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो ये सारी बेसिक जो है कंपनियां हैं जहां आप जो है डायरेक्टली वॉक इंटरव्यू ले जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन गाइस। और मंडे टू फ्राइडे आप जाइए, मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मंडे को काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। और तो आप ट्यूसडे, मतलब मंडे की बात कोई भी जाइए, मंडे को चले जाइए, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को आप ना जाइए या फ्राइडे को आप मत जाइए। मैं रिकमेंड करूँगा मंडे टू फ्राइडे तो होता है, मंडे टू थर्सडे आप जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो मोस्टली जो कंपनी में जो इंटरव्यू होते हैं वो 2 दिन के हो जाते हैं, कभी कभी 48 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन में हमारे टोटली राउंड यहाँ पर क्लियर नहीं होते हैं, तो हमें जो सेकेंड डे आना होता है। सो गाइस, ये आप माइंड में रखिए कि अगर हम 2 दिन देरी है कंपनी का, मान लीजिए फ्राइडे को जा रहे हैं, तो फ्राइडे को आप अगर आपका मान लीजिए सारे इंटरव्यू राउंड कंप्लीट नहीं हुए, तो आपको जो है फ्राइडे संडे वेट करना होगा, फिर आपको जो है मंडे सेकंड राउंड के लिए आना पड़ेगा। या उस बीच में क्या होता है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है और HR भी आपको रिवर्ड नहीं करता है गाइस। विप्रो में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है गाइस। सो गाइस, करंटली विप्रो जो है ये वॉइस प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, जिसमें जो है अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फ्रेशर हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें सैलरी नेगोशिएट नहीं है, सैलरी उसमें फिक्स बताई गई है, और अपने आपको जो है कैब भी यहाँ पर फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली गाइस। सो गाइस, विप्रो करंटली जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, मैं आपको जो सारी डिटेल यहाँ पर शेयर कर देता हूँ गाइस। सो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अप्लाई करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया। तो जैसे ही आप उस लिंक को ओपन करेंगे, आपको डायरेक्टली शो हो जाएगा कि हायरिंग फ्रेशर फॉर वॉइस प्रोसेस इन ग्रेटर नोएडा में ये लोकेशन होने वाली है। और अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो HR अंजलि के यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर रेफरेंस ऑलरेडी मेंशन है। और गाइस, 0 to 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस है। मोस्टली जो अगर जो अभी फ्रेशर कैंडिडेट है, तो उसके लिए मोस्ट रिकमेंडेबल जॉब होने वाली है। बाकी एक्सपीरियंस कैंडिडेट भी आप जा सकते हैं, लेकिन ऑदर प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, इस प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, बट आपको सैलरी जो है यहाँ पर नेगोशिएट नहीं देखने को मिलती है। यहाँ पर एज अ फ्रेशर ही आपको जो सैलरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आपके सिलेक्शन हो जाता है, तो बेसिकली इसमें रिक्वायरमेंट जो ऑलरेडी मेंशन है कि एक्सलेंट का कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए इंग्लिश में, बाकी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको जो वर्बली और रिटन दोनों में ही लिखना आना चाहिए। क्योंकि जो ये अभी करंटली जो प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, ये डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हायरिंग कर रहा है, मतलब इसमें जो है आपके प्रोफेशनल जो है आपके क्लाइंट होने वाले हैं, जो भी कस्टमर होने वाले हैं, तो आपको जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही यहाँ पे आने चाहिए गाइस। और गाइस, इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि कंफर्टेबल विद सैलरी एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब जो भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको जो यहाँ पे नेगोशिएट यहाँ पे ज्यादा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, नो नेगोशिएशन विल बी एंटायर्ड, तो आपको जो यहाँ पे नेगोशिएट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है गाइस। कंफर्टेबल विद द रोटेशनल शिफ्ट आपकी रहने वाली है, मतलब आपकी जो कभी नाइट डे भी लग सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्टली जो आप जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको जो है कोई नहीं है, ट्रेनिंग का पीरियड ही मोस्ट आपका जो है हनीमून पीरियड होता है, तो उसे आप जो है इंजॉय कीजिए। उसके बाद जो है आपका जैसे भी आपकी शिफ्ट होगी, वो आपके TLs जो भी आपके TLs होंगे, वो आपको जो है जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे गाइस। कोई इशू नहीं है, लेकिन इसमें जो है अगर आपके पास 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड है विद 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आप जो जॉब के लिए एलिजिबल होने वाले हैं गाइस। सबसे पहले अगर आपका पहला राउंड यहाँ पे निकल जाता है HR का, तो उसके बाद बेसिकली टाइपिंग टेस्ट रहता है,
ये दो राउंड ये आपके निकल गए तो आपको जो है मोस्टली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाता है गाइस। और गाइस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए, हाई सेकेंडरी पास एंड ग्रेजुएट कैन अप्लाई, मतलब अंडर ग्रेजुएट कैन अप्लाई, शुड बी लिविंग अंडर 30 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम नॉलेज पार्क, मतलब इनका जो एड्रेस है नॉलेज पार्क, तो वहाँ से आप जो है 30 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आपको जो है कैब फैसिलिटी भी कंपनी आपको प्रोवाइड करने वाली है गाइस। ओनली फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम ऑफिस की आपको जॉब हो सकती है, तो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब आपकी नहीं होने वाली है। अगर आप वर्क फ्रॉम ऑफिस में कंफर्टेबल हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि वर्चुअल आपके इंटरव्यू होने वाले हैं, मतलब सबसे पहले आपको एक टेलीफोनिक राउंड होगा, ये आपकी जूम में भी हो सकता है, या आपको जो है वर्बली एचआर का डायरेक्टली आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि जो इनको जो आपको सीवी सेंड करना है ये डायरेक्टली इनके ईमेल पे करना है, ना कि इनके कॉन्टैक्ट नंबर पे। तो ये ईमेल आप जैसे इनको ईमेल अपना सीवी करेंगे, सीवी अपना ईमेल करेंगे, उसके बाद ये आपका चेक करेंगे रिज्यूम, उसके बाद जो आपके सीवी में मेंशन नंबर होगा उस पर ये आपको कॉन्टैक्ट करने वाले हैं डायरेक्टली। फर्स्ट राउंड मान के चलिए अब इनका टेलीफोन ही होगा, सेकेंड राउंड आपका ऑफिस में होगा, और वहाँ भी वहीं आपको जो है सारी टाइपिंग स्पीड वहीं होने वाली है गाइस। सो गाइस इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि यहाँ पर्क्स एंड बेनिफिट ऑलरेडी मेंशन है कि बोथ वे कैब फैसिलिटी होने वाली, पिकअप एंड ड्रॉप दोनों ही रहने वाला है, और आपको जो है परफॉर्मेंस बेस्ड यहाँ पर इंसेंटिव भी देखने को मिल जाता है। अगर आपका प्रोसेस के अकॉर्डिंग आपका जो है बिहेवियर सही है, आप सारी एसओपी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो आपको जो है अच्छी से इंक्रीमेंट देखने को मिल जाता है, इंसेंटिव यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये गाइस ट्रू है, अगर आप जो है प्रोसेस के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आप कंपनी को बेनिफिट दिला रहे हैं तो वो कंपनी डेफिनेटली आपको जो बेनिफिट कराएगी गाइस। और कई इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ईमेल में सबसे पहले रिकमेंड करूंगा अपना जो है ईमेल यहां मेंशन कर दीजिए, अपना रिज्यूम मेंशन कर दीजिए मिस अंजलि जी को। इनकी ईमेल आईडी है anjali.dubey1@wipro.com, इनकी जो है ईमेल आईडी होने वाली है। तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आपकी अपडेटेड ईमेल आईडी हो वो अपडेटेड ईमेल आईडी में ही इनका रिज्यूम जो है वो सेंड कीजिए, क्योंकि गाइस इनके जो मोस्टली जो रिवर्ड आने वाले, एक तो मेल के थ्रू आएंगे बेसिकली, या आपको जो है ऑन कॉल के थ्रू आने वाला है गाइस। तो गाइस सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप जो है मेल के थ्रू अपना एक अपडेटेड सीवी इनको मेंशन कर दीजिए गाइस, क्योंकि गाइस जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमें एचआर कोई भी रिवर्ड नहीं आने वाला गाइस। तो गाइस कोई पैन इंडिया से भी देख रहा है तो आप इनको सीवी सेंड कर सकते हैं, बाकी आप चेक भी कर सकते हैं कि वर्चुअली राउंड कैसे होते हैं, कैसे कैसे एचआर जो है क्वेश्चन पूछते हैं गाइस। तो गाइस ये एक एक्सपीरियंस लेना काफी इंपॉर्टेंट है, था ये हमें जो है फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमें सीखी हमें जो है देखने को मिलती है गाइस। कोई भी हमारा जो है नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, जो भी है वो पॉजिटिव ही रहता है गाइस। सो गाइस इस वीडियो का डिस्कशन मैंने अप्लाई करने का टोटल यहाँ पे लिंक जो है आपको प्रोवाइड कर दिया, तो सारी जानकारी आप फिर से चेक करके तो आप जो है उसके बाद ये आप अपडेटेड ईमेल आईडी यहाँ पे अपडेटेड एक सीवी जो है वो मेंशन कर सकते हैं इनकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे गाइस। सो गाइस ये थी करंटली अपडेट जो कि विप्रो की तरफ से डायरेक्टली आया था, जो कि मैंने आपको सारी जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है गाइस। फिर भी कोई इशू आता है बेसिक आप मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको जो है सारे डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ और आपको जो कमेंट के सारे रिप्लाई यहाँ पे देने वाला हूँ गाइस। सो आई होप कि गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगी, जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी से हमारा ना भूले गाइस। सो थैंक।